मेरे परिवार के द्वारा मिले संस्कार और उस क्षेत्र की मिट्टी का ये अंश है जो मुझे बचपन से ही सेवा का संस्कार मिला है। मोदी जी के कार्यों में पूरी योजना और पूर्ण योजना दिखती है जो टॉलरेंस पे काम हो। अगर कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कानून का राज होगा, कानून के आधार पे सबको कार्य करने की अनुमति है। नमस्कार, मैं हूँ रागनी विशेष। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज मैं रावर्सगंज के मौजूदा विधायक भूपेश चौबे जी और सोनभद्र के चारों सीटों पर कमर खिलने से पहले के जिला अध्यक्ष भूपेश चौबे जी से मुलाकात करने। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, आपने विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति में ही कदम रखा, यह महज एक संयोग था या इसके पीछे शुरुआत से ही आपकी जनसेवा की लालसा? देखिए, जब मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में, मेरा दुद्धी के पास हीराचल मामली गांव है, प्राइमरी स्कूल गांव से ही पढ़ाई हुई, जूनियर हाई स्कूल भी वहीं से, बाद में वहाँ से मैं रेणुकूट पढ़ने के लिए हायर सेकेंडरी के लिए आया, फिर उसके बाद ओबरा गया। तो जो मेरे ध्यान में बात आती है कि ये प्रारंभ से भी जो गाँव का शनिवार के दिन अंताक्षरी होती थी तो मेरे जी में था, जो जूनियर हाई स्कूल में जो पीटी होता था जो वहाँ के, तो उस वो भी उसकी व्यवस्था मेरे जिम्मे होती थी। तो मुझे अब ध्यान में आता है कि यह संजोग नहीं बल्कि वह मेरे परिवार के द्वारा मिले संस्कार और उस क्षेत्र की मिट्टी का ये अंश है जो मुझे बचपन से ही सेवा का संस्कार मिला। सर, एक गरीब परिवार से निकलकर विधायक तक का सफर आपने किस सिद्धांतों पर चलकर हासिल किया? इसे हासिल करने में, इस मंजिल तक पहुंचने में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, जो यहाँ तक आज जो मैं विधायक के रूप में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तो इसमें पूरा श्रेय आरएसएस विचार परिवार का है। जो मैं जब हाई स्कूल पास किया, इंटर में आया, तो उसी के बाद मैं एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। वो वैचारिक पृष्ठभूमि ही एक लंबा दौर मेरे जीवन के साथ जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा है और भविष्य तक जुड़ा रहेगा। ये पूरा जो आज मैं यहाँ हूँ वो अपने आरएसएस विचार परिवार, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विशेष योगदान है, जहाँ वैचारिक रूप से मैं आज यहाँ हूँ। कोई समस्या सर इसमें? देखिए, अभी वैचारिक रूप से तो हर क्षण मुझे गौरव प्राप्त होता है, सेवा भाव मिलते हैं, सामाजिक कार्य के अन्य अन्य प्रकार के तरीके संगठन के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उसको मैं सीखा हूँ, साथ में उसको जिया हूँ। कोई समस्या की बात तो नहीं कर सकता हूँ, बल्कि कह सकता हूँ कि संगठन से जुड़ करके मुझे अच्छा कार्य करने के लिए सामाजिक संवेदनाओं के साथ हमेशा प्रेरणा प्राप्त होगी। सर, 2022 में लहर योगी जी की होगी या मोदी जी की होगी या फिर दोनों की? देखिए, मोदी जी आज के देश दुनिया के लीडर हैं, यह हम सब वैचारिक कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय ही है, साथ ही साथ पूरे भारतवासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि हमारा भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है आज उसकी बात दुनिया मान रही है, और इसलिए उसमें लहर की बात शायद कहना छोटी हो जाएगा, बल्कि मैं कहूँ कि मोदी जी की आज दुनिया में सुनामी है। और वह केवल इसलिए नहीं है कि मोदी, क्योंकि वो बहुत उनका कैलकुलेटेड समयबद्ध उनका जीवन, और जब जो काम करना है उसकी पूर्व से प्लानिंग, जैसे एक शब्द में प्रयोग करूं कि पूर्व योजना और पूर्ण योजना, मोदी जी के कार्यों में पूर्व योजना और पूर्ण योजना दिखती है। इसलिए मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं और आज भारत का जन जन मोदी जी की बातों को मान रहा है और विश्वास कर रहा है, और यह मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उन पर इसी प्रकार का विश्वास कायम रहेगा। और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के सबसे बड़े राज्य के आज मुख्यमंत्री हैं, वो संत हैं, जैसे एक शब्द में प्रयोग करूं कि पूर्व योजना और पूर्ण योजना, मोदी जी के कार्यों में पूर्व योजना और पूर्ण योजना दिखती है। इसलिए मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं और आज भारत का जन जन मोदी जी की बातों को मान रहा है और विश्वास कर रहा है,
और यह मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उन पर इसी प्रकार का विश्वास कायम रहेगा। और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के सबसे बड़े राज्य के आज मुख्यमंत्री हैं, वो संत हैं, और भारत की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, जो यहाँ राम कृष्ण भोले शंकर गंगा यमुना सरस्वती ऐसे सभी सांस्कृतिक मुख्यमंत्री है, तो उसकी स्वीकार्यता भी इस उत्तर प्रदेश में जबरदस्त है। सर, सोनभद्र में सभी विधायक भाजपा या उसके साथी पार्टी के हैं, सांसद भी आपके हैं, अब विकास का क्या एजेंडा है और आपकी क्या मजबूरियां हैं जिससे सोनभद्र का विकास करने में रुकावट आ रही है, या आपको लगता है कि विकास पूरा हो चुका है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वह निरंतर चलने वाली चीज है, विकास कभी पूर्ण नहीं होता। विकास की दिशा क्या है ये महत्व रखती है। तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के सभी विधायक और सांसद हैं, तो आज हम सब लोगों को अपनी दिशा तय करना आसान है। जैसे जो काम कभी नहीं हुए सोनभद्र में, उस काम को करने में हम लोग को सुविधा हो रही है। जैसे तमाम ऐसे उदाहरण मैं दूं कि चाहे यहाँ बिजली को लेकर, बिजली यहाँ उत्पादन होते थे लेकिन बिजली की आपूर्ति को लेकर के हमेशा हाहाकार होता है। लेकिन आप सब लोग भी महसूस कर रहे होंगे, जनता भी इस बात को कह रही है कि पहले की सरकारों की अपेक्षा सोनभद्र में विद्युत आपूर्ति अच्छी है। तो इसलिए कि यहाँ पैदा होता है, इस बात को लेकर के हम लोग की ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा, इसलिए आपको ध्यान होगा, जैसे योगी जी की सरकार बनी थी, जो दौरा उनका हुआ था, तो सीधे अनपरा विद्युत तापी परियोजना, कोई और कार्यक्रम नहीं, उनका और ऊर्जा मंत्री दोनों लोगों का दौरा बिजली देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं शायद इसी नाते संभव हो पाया कि हम सब एक विचार, एक सहयोगी दल के सभी विधायक और सांसद हैं। और जो कभी काम नहीं हुआ, आप अभी सुनते रहे होंगे कि कौन पिंडमगंज का चौड़ीकरण सड़क, आजादी के बाद से सब पूरे जिले में एकमात्र सड़क जो महत्वपूर्ण थी वो चौड़ीकरण नहीं हुई थी, वो जैसे सरकार बनी उसका चौड़ीकरण स्वीकृत हुआ। एक बाजारी घाट है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक घाट है, जो बागेश्वर से नगर को जोड़ता है, अगर वो सड़क बन जाता तो कम से कम अगर खरौंदी से हम जाए तो 60 किलोमीटर, बिंडमगंज से जाए तो लगभग 40 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। लेकिन कभी इतने दिनों से आजादी के 70 साल बाद अन्य सरकारें कभी ध्यान नहीं दी, जैसे योगी जी की सरकार बनी, विधायक को बनाया लोगों ने हमें, तो आज वह स्वीकृत भी है, उस पर काम भी शुरू हो गया है। ऐसे अन्य काम, जिगना की सड़क है, पेयजल को लेकर के है, सोन लिफ्ट का विस्तारीकरण है, धंधरौल बांध के सफाई का मामला है, या ऐसे इस जिले में पेयजल को लेकर बहुत संकट है। अभी जब केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार ने शुरू किया कि पेयजल के लिए अलग से जल संसाधन मंत्रालय बनाया, तो जो उत्तर प्रदेश के जो जिले चयन हुए तो उसमें सोनभद्र हर घर नल योजना के तहत चयनित हुआ, तो शायद इसीलिए हो पाया कि सब लोग एक विचार परिवार, एक पार्टी और सहयोगी दल के विधायक सांसद थे, वो मिल करके हम लोगों ने बात किया। तो प्रथम चरण में प्रदेश के हर जिले हर घर तक पानी देना है, लेकिन प्रथम चरण में ही सोनभद्र चयनित हुआ, तो शायद इसलिए ही संभव हो पाया। इसलिए विकास की दिशा सही है और जो काम कभी नहीं हुए थे वो काम हो रहे हैं, शेष अभी काम और भी करना शेष है। मैं पहले भी कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, अभी हर खेत को पानी का है, थोड़ा भूमि समतलीकरण का है, और आवागमन की व्यवस्था को और समुचित बनाए जाने का है, पर्यटन की दिशा में थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सोनभद्र चार राज्यों से जुड़ा हुआ जिला है, पांचवें राज्य का स्वयं हिस्सा है, इसलिए हमारे पास पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं, प्राकृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ सोनभद्र, इसलिए अभी काम और भी करने की जरूरत है, वो उस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, विधायक के रूप में आपने जब रावर्सगंज का पद संभाला तो उस समय इस विधानसभा के क्या हाल थे और आपने क्या क्या काम किया? देखिए, सोनभद्र का हट जो हमारे विधानसभा, थोड़ा सा इसको मैं तीन भागों में बांटूँ, तो अच्छा, एक मैदानी एरिया जो एक काफ़ी ज़्यादा धान का कटोरा कहा जाता है विजयगढ़, जो एक पहाड़ी एरिया जो सोमा सथारी माची बसुहारी कनच कनौरा बेलच रुदौली, और तीसरा पार्ट कह सकते हैं कि सोन नदी के अगल बगल कौन क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये के अलग अलग कुछ समस्याएं हैं। अगर हम बसुआरी से लेकर के पटवा तक की बात करें तो कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है, कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, उस दिशा में काम कर रहे हैं, कोई स्कूल नहीं था तो आज स्कूल बन करके तैयार है,
अगर हम श्री मढ़पुरी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा अलग प्रकार की बाढ़ की समस्या थी, वहाँ भी कोई स्कूल नहीं था, इंटर कॉलेज बन रहा है, उस क्षेत्र में बच्चों के खेल कूद के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ भी आपको पलाड़ी में स्टेडियम बन रहा है, वाचनालय सुदूर क्षेत्र में वाचनालय बन रहे हैं। हम कौन क्षेत्र की बात करेंगे तो जो झारखंड से सीधे जोड़ता है, सोन नदी के किनारे हैं, तो पेयजल की समस्या के साथ साथ सिंचाई के लिए भूमि काफ़ी उबड़ खाबड़ थे, कभी तमाम काम मनरेगा से बंदियों को बांध करके पानी के जल संरक्षण का काम हो रहा है। हम अगर इस मैदानी क्षेत्र में बात करेंगे जहाँ धान की कटोरी की बात है, तो नहर का जाल बिछा हुआ जरूर है, लेकिन वो जर्जर है, जगह जगह से पानी का बहाव बेवजह था। तो उन सब चीज़ों को दुरुस्त करने की दिशा में हम सब लोगों ने एक चुनौती के रूप में लिया। नगवा क्षेत्र जो अपना है, वैनी क्षेत्र करनासा के उस पास, उधर पेयजल और सिंचाई की समस्या है, जिसमें देवरी बंदी, करी बंदी, सिरसी, ऐसी चीज़ों को एक उच्चीकरण का प्रयास है, उस दिशा में काम भी हो रहा। तो इन सब कुछ चुनौती के रूप में हमने लिया है। तो कुछ सिंचाई को लेकर वार परसौना टेकार, इस क्षेत्र में सिंचाई का नहीं, 100 लिफ्ट का पांचवा चरण विस्तारीकरण की योजना बन रही है, लगभग वो तैयार होने की स्थिति में है। तो कुछ चुनौती के रूप में था, वह योगी सरकार ने उसको सरल कर दिया है, और मुझे लगता है और भी आगे कुछ समस्याएं हैं, उसका भी समाधान होगा। सर, जल जंगल जमीन, मेरा मतलब है खनन के साथ पर्यावरण और पीने योग्य बड़ा मुद्दा है, आप इनको कैसे डील करते हैं, क्या दिक्कत आती है और आप इनको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, जल जंगल और जीवन तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण उसका मुख्य रूप है। तो हमारे इस क्षेत्र में, हमारे यहाँ सोन की नद है तो कन्हर नदी है, बेलन है तो करनासा है, रेण है, रिजुल है, ऐसे तमाम नदियों का भी जंजाल है, जंगल भी है। अगर मैं कहूँ कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने के बाद जो जंगल के रूप में एक बड़ा भूभाग एक विंध्य क्षेत्र में ही आता है, तो वह सोनभद्र को गौरव प्राप्त है, जहाँ यहाँ जंगल भी है, तो उसके संरक्षण, उसके रख रखाव, और भी पेड़ लगे हैं, सड़कों के किनारे लगे हैं, और अभी इस बार तो अभी लग करके हम लोग योजना बनाए हैं कि हर गांव में एक बाग तैयार किया है, उसकी योजना चल रही है। अभी पिछले वर्ष भी पूरा रिकॉर्ड वृक्षारोपण किए गए, वृक्षारोपण के साथ साथ तो अब वृक्ष बचे, इससे हम लोग के लिए चुनौती है, उस दिशा में लगातार काम भी कर रहे हैं, जन सहभाग बढ़े, जन सहभाग के बढ़ने से ही वृक्षों का बचाव हो सकता है और वो जंगल की रक्षा हो सकती है, उसमें हम मोदी जी को धन्यवाद है, उसका भी समाधान किया जाएगा। और खनन की जहाँ तक बात है, तो खनन यहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, वह सुरक्षित और पर्यावरण से को बचाते हुए उस कार्य को भी व्यवस्थित कराने का प्रयास है। सर, जैसे भी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उधर तेंदू पत्ते का कालाबाजारी का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर कहीं कोई इस प्रकार की बात आती है, हाँ सर, बीजपुर साइड में उधर, तो जरूर संज्ञान में आप लोगों के द्वारा जब भी लाया जाएगा, अपने सरकार की प्राथमिकता है योगी जी और मोदी जी की, कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो, अगर कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कानून का राज होगा, कानून के आधार पे सबको कार्य करने की अनुमति है। सर, सोनभद्र पत्रकारों के लिए खतरे वाला जिला बन गया है, आप पत्रकारों की सुरक्षा कैसे करेंगे, उनके उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, महत्वपूर्ण स्तंभ है, और कहीं ना कहीं समाज को एक ऊर्जा, समाज को नई दिशा और समसामयिक समस्याओं के ऊपर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पत्रकारों का एक बड़ा योगदान है। इसलिए मैं, अगर कहीं किसी के ऊपर खतरा की बात हो, अगर ये बात आ रही है, तो जरूर ये चिंता का विषय है, और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ सब के साथ, उनके साथ, उनकी सुरक्षा चाहते हैं, पूरा सहयोग है, और खतरा की बात ही नहीं उत्पन्न होती, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में उनकी पूरी सुरक्षा, पूरा सम्मान, पूरा मान के साथ वो आगे बढ़े, हमारी पूरी शुभकामना उनके साथ। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? वो सुरक्षित हैं और रहेंगे। चौबे का आने वाला 2022 का राज, क्या सपने बाकी हैं और क्या करना अभी बाकी है? देखिए, मैं पहले भी कहा कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अपने विधानसभा में जो काम पहले कभी नहीं हुआ था, वह काम हो रहा है, चाहे सड़क का हो, तमाम ऐसे, नैंदा का पुल पहले से टूटा हुआ था, 15 साल से आज तक नहीं बना था, कोटा में एक बंधी था, लगभग 15 सालों से टूटा हुआ था, नहीं बना, वो बनके आज तैयार है,
बाजारी घाट का रोड कभी नहीं बना था, आजादी के बाद उस पर काम लगा हुआ। जिगना की सड़क पे कभी रोड़ा नहीं पड़ा था, वो बन करके तैयार है। हाँ, कुछ सिंचाई के क्षेत्र में भी काम, वार परसोना टेकार क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सर, शिक्षा क्षेत्र में हमारा जिला जरूर आगे की ओर बढ़ रहा है। अपना विधानसभा में चाहे कौन क्षेत्र में भी थोड़ा शिक्षा को लेकर के काफ़ी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो रही है, चल भी रहे। डिग्री कॉलेज की स्थापना का प्रयास है, जल्द से जल्द हो जाएगा। एक इंटर कॉलेज यहाँ नया बन के तैयार हो रहा है रामगढ़ में। आज मरम्मत, उसका छत, उसकी बाउंड्री, एक सोन कायाकल्प के तहत सभी स्कूल अच्छे होंगे और वहाँ की पढ़ाई अच्छी हो, इस दिशा में हम लोग का ध्यान है। सर, विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार कोरोना महामारी से लड़ने में सफल नहीं दिखाई दे रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? शायद विपक्ष को दिख नहीं रहा है। आज यदि लोगों का कहना है कि यदि मोदी जी देश के पीएम नहीं होते और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी नहीं होते तो शायद क्या होता, इसकी कल्पना नहीं हो सकती थी। कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी है, इस पे कोई भी किसी प्रकार की राजनीति करता है तो गलत है। इस समय सबको एकजुट होकर के कोरोना को हराने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, यदि किसी को कोई कमी दिखती है तो उसका उचित सुझाव भी दे, और यह सरकार सबके सुझाव को स्वीकार भी करती है। और उन लोगों से मैं जरूर अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूँ जिनको इस सरकार के किए गए कार्यों में कमी दिखती है, शायद वो अपनी पार्टी और अपने मुखिया के किए गए कार्यों की समीक्षा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और स्वयं गरीबों की, मध्यम वर्गीय परिवार की, जहाँ भी जरूरत हो सबकी सेवा करें। और कोरोना योद्धा अपने डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसकर्मी, पत्रकार, सफाई कर्मी, कोटेदार, सब एक सकारात्मक दृष्टि से एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी जाए। अगर उनको कोई उचित सुझाव है तो जरूर वो भी सादर आमंत्रित हैं, लेकिन विपक्ष के लिए मेरा जो सुझाव था वो स्वयं सेवा कार्य में लगे, लोगों की मदद करें। एक विधायक के रूप में आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी विश्वव्यापी महामारी अपना जो कोरोना है, अभी तो सबको इससे बचना चाहिए। इसके बचने के लिए तीन उपाय हैं। एक, हाथों की सफाई बार बार, और अपने आसपास की पूरी सफाई जितना रख सकते हैं अधिकतम रखना है। दूसरा, हम मनुष्यों के बीच में 2 गज की दूरी रखी जाए। और तीसरा, जब भी किसी कार्य के लिए हम बाहर जा रहे हैं या अपने साथ किसी के साथ वार्ता कर रहे हैं तो फेस कवर, गमछा या रुमाल से अपना नाक मुंह जरूर ढकें। यह इस समय मैं निवेदन करना चाहता हूँ। यह विश्व महामारी से लड़ करके जीतने के लिए सकारात्मक भाव से ही हम जीत सकते हैं, और ये तीन काम करेंगे तो कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आपने सुना भूपेश चौबे जी के विभाग राय को, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक, रागनी विशेष के साथ।